बहुत लेट हो गया नील का। जिनके साथ जाते हैं वो ऑलरेडी नीचे वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आके चाय पी। और एक्चुअली मेरा ही सुबह उठना देर लेट हो गया था। और एक काम था, ये सिलेंडर नील बोले कि आज गैस देने आएगा, सिलेंडर देने आएगा, तो मैं निकल के दे के जा रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे गैस का जो बॉक्स है वो, फिर ये सिलेंडर सब निकाल के दे के गए हैं। और मैं अभी ये देखिए चाय पी रही हूँ। मैं सोची यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ, पेखम तो एज इट इज़ सो रही है। ये पीछे क्या है? अच्छा, ये वाला लेके ना पेखम खेलती है। इसको मैं उधर कोने में रख दी थी, तो बोलती नहीं मम्मी मैं नीचे, वो एक्चुअली ड्राइंग वगैरह भी करती है ना, तो बोलती कि मैं नीचे इसके ऊपर बैठ के करूँगी। ये मेरा क्या है, क्या बोलती है, वो अलादीन का जो कारपेट टाइप का जो था ना, हाँ हाँ, उसको सोच के, हाँ उसका खेल सब कुछ, मतलब उसका खेलने का मतलब चीज़ है। तो चलिए मैं अपना चाय एंजॉय कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। किचन में आई हूँ। सुबह से कुछ मतलब मन नहीं हो रहा है आज कि क्या बनाऊँ, मतलब आज लग रहा है कि सुस्त लग रहा है थोड़ा सा। कि जैसे सोए रहूँ, कोई आके मेरे सामने खाना परोस दे, बट ऐसा खुशी का नौबत कहाँ है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज प्याज डाल के मसूर की दाल। यहाँ पे प्याज और पाँच फूरन ये डाली हूँ, थोड़ा धनिया पत्ती डालूंगी। और यहाँ पे मसूर की दाल धो के रखी हूँ और चावल भी चढ़ा दूंगी। और उसके साथ मैं सोच रही हूँ आज आलू भाजा बनाऊंगी। तो मम्मी को भी मैं बता रही थी कि मैं, मम्मी गोल गोल आलू भाजा बनाओ या फिर पतला पतला काट के बनाओ, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी बोल रही है पतला पतला काट के आलू फ्राई कर लो। मैं बोली ठीक है, देखती हूँ, ऐसे ही करूँगी कुछ, आज कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। सुबह उठी हूँ देरी से भी। एक्चुअली कल रात में क्या हुआ था, कुछ लाइट का शायद प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके कारण ना रात में बहुत बार लाइट मतलब चली गई, आ रहा है फिर जा रहा है। तो ऐसे करके ना, मतलब गर्मी के टाइम एसी बंद हो जा रहा है और गर्मी भी है बहुत, पूरा रूम लॉक था क्योंकि एसी चल रहा था, तो उसमें बार बार नींद, मतलब नींद का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ पे मैं फूल गोभी, आलू और कैप्सिकम डाल के एक सब्जी बनाई थी, जो ब्रेकफास्ट में हम लोग खाए और नील टिफिन में भी लेके गए। नील खा के भी वही गए हैं ब्रेकफास्ट में। आज मैं बोली हूँ कि डबल डबल ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, आज जो बना है वही खा के जाओ। तो आज रोटी के साथ वही खा के गए और चाय तो मैं जल्दी जल्दी दी। तो अभी फिलहाल इसको बना रही हूँ, तो बस लंच में आज यही है, एकदम सादा खाना। पेकम गई है नहाने, फिर उसके बाद थोड़ा सा घर का भी मतलब ठीक ठाक की हूँ, क्योंकि एक सामान आने वाला है, मतलब एक फर्नीचर आने वाला है, आ जाए फिर तब लोगों को दिखाऊंगी। तो वो आ जाएगा कि कल आएगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कल मैं गई थी तो उसको, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन का गड़बड़ हुआ है, तो मैं बोली उसको ठीक करके मुझे देना है, जो डिज़ाइन मुझे पसंद है उसका डिज़ाइन थोड़ा उल्टा पुल्टा बना दिया। तो देखती हूँ, आज अगर आ जाता है तो आज ही आप लोग देख पाएंगे, अगर कल आएगा तो फिर कल देखेंगे, कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, तो चलिए अभी दाल चावल और आलू भाजा बना लेती हूँ। और खसखस तो पीसना है, तो मतलब हाँ, मतलब ऐसे ही, मतलब चटनी की तरह उसको क्या करेंगे, सिर्फ खसखस को हम लोग मतलब बंगाली लोग पीसते हैं, ये गर्मी के टाइम ना वो पेट ठंडा रखता है, उसको पका के खाएंगे ना खसखस को, जैसे आलू के साथ आलू पोस्त जैसे बनाती हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब पेट गर्म होने का चांसेस रहता है। लेकिन ये खसखस अगर ऐसे पीस के थोड़ा सा चावल के साथ थोड़ा सा नमक डाल के मतलब ऐसे खाएंगे ना दाल के साथ, तो कुछ नहीं होता। तो आज खसखस पीसा हुआ खसखस, तो जैसे आप लोग उसको खसखस की चटनी भी बोल सकते हो, सिर्फ नमक डाल के, और उसमें थोड़ी सी सरसों तेल डालेंगे तो और अच्छा लगता है। और बस यही है। तो चलिए फिलहाल मैं लंच बना लेती हूँ। मेरा लंच करना कम्प्लीट हो गया, पेखम का भी चालू है इधर। और मेरा थाली साफ पूरा, और उधर मैं धनिया पत्ती लाए थे ना, आज ऑर्डर किए थे से, यहाँ है इसको क्या था, तो उसको हवा में थोड़ा सा सूखने के लिए दी हूँ, फिर स्टोर करके अच्छे से रखूँगी। और अभी गैस वाला आने वाला है, सिलेंडर वाला, उसका मैसेज आया है कि अभी आएगा, तो वही जल, इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट पहले हम लोग खाना खा लिया, अभी जस्ट 1 बज रहा है, मैं बोली कि अभी आएगा यहीं पे, फिर खाते खाते उठ जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोली कि चलो 5 मिनट आगे बैठ जाओ, तो इसलिए खा लिए। तो पेखम का भी चल रहा है,
लेकिन बेखम को मतलब ये खसखस मिल जाए ना, बेखम को बहुत मतलब फेवरेट है ये है ना। और आलू भाजा मेरे को बहुत फेवरेट है। जब नील मतलब नहीं खाते हैं ना, तो मैं और बेखम जब खाते हैं जैसे लंच के टाइम हो या फिर डिनर में कभी हो, तब मैं ये आलू भाजा बनाती मुझे हूँ। तो पसंद है। आलू भाजा पसंद है ना। पहले बचपन में पेखा आलू भाजा नहीं खाती थी, तो मैं सोचती थी ये कौन सा बच्चा है भाई, आलू भाजा नहीं खाता फिर जाके थोड़ी सी बड़ी हुई ना, तब जाके उसको आलू भाजा अच्छा लगने लगा। तो ठीक है, और आज पेखम का डांस क्लास भी है, शाम को लेके जाना है। तो पेखम सोच रही है कि वो खेलने कैसे जाएगी। अभी उसका फ्रेंड लोग सब बुलाने आते हैं ना शाम को कि खेलने चलो करके, तो वही बोल रही कि मम्मी आज 6 से 7 नहीं है टाइमिंग। मैं बोली नहीं, उस दिन उसकी मैम ने मतलब टाइम चेंज की थी, 6 to 7 की थी। नहीं बोली नहीं, आज तो कुछ मैसेज आया नहीं, तो 7 to 8 ही होगा, तो 8 बजे के बाद मैं तुमको खेलने नहीं भेजूंगी रात में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब 6:30 बजे के बाद ही मतलब सब बच्चे नीचे जाते हैं, क्योंकि धूप रहता है ना यहाँ पे, तो शाम होते होते 7 बज ही जाता है। तो इसके कारण अभी भी हम चाट चाट के खा रही है। दिखाओ ये देखो बर्तन मांजना नहीं पड़ेगा। बर्तन मांजना नहीं पड़ेगा, नहीं बर्तन मांजना नहीं पड़ेगा। आज बेगम का दही नहीं आया, आज पूरा भेज है। उसके पापा मिल्क बास्केट से कुछ सामान ऑर्डर किए थे कल, तो मिल्क बास्केट मैं जनरली ऑर्डर करती हूँ, तो दही नहीं था। तो उसके पापा को पता नहीं था, सुबह जब सामान आया मैं बोली कि दही नहीं ऑर्डर किए थे क्या, तो बोले नहीं। और इसका रोना स्टार्ट बिकम का, कल भी दही नहीं खाई है, आज भी नहीं मिला उसको। जैसे दही खत्म हो जाता तो मैं 1-2 दिन छोड़ के फिर ले आके मतलब लेती हूँ। मैं बोलती हूँ एक दिन रेस्ट करो, डेली दही मत खाओ, कोई भी चीज़ डेली मतलब इतना एक्सेस खाना ठीक नहीं है। तो कल मिलेगा बिकम को दही। मुंह टेढ़ा कर रही है। तो चलिए मैं अपना किचन साफ कर लेती हूँ फिलहाल, फिर सो के उठ के पीखम को लग गई भूख। मैं सोई हूँ पेखम नहीं, अभी बज रहा है 4:45 वो तरबूज है, इसको रख दी थी फ्रीज में, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं काटूंगी। मैं ये नीचे बैठ के, ये देखिए मेरा बैठी है, इससे मैं काटती हूँ। पेखम को ऐसे खाना पसंद है इसलिए ऐसा रेक्टेंगल बोल रही है, रेक्टेंगल बोल रही हूँ, ट्राइंगल, सॉरी मैं भी कुछ भी बोल जाती हूँ, ट्राइंगल ट्राइंगल करके दो ना मम्मी, ऐसे खाऊंगी। अब यहाँ पे गेम देख रही है और मैं यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा काट के फोक से मैं खाती हूँ। और ये देखिए ये सूख गया है अभी, मतलब जो गीला गीला था इसको मैं रख दूंगी, खा के देखती हूँ। पनीर, और मुझे थोड़ा आलू लेने जाना है, लेकिन अभी तो बज रहा है 5 बज रहा है, लेकिन देखिए धूप देखिए इतना तेज, तो 6 बजे से पहले तो मैं नहीं निकल पाऊंगी। और 7 बजे पेखम का डांस क्लास भी है, आज जाना है डांस क्लास, मैम ने मैसेज भेज दिया उसको, मैम ने मैसेज भेज दिया 7 बजे से है तो ना डांस क्लास लेके जाऊंगी, उससे पहले मुझे थोड़ा पनीर और ये लेने के लिए क्या आना है, क्या बोलते हैं आलू। पेखम बोल रही है कि पापा सुबह इतना लंच में इतना अच्छा खाए हैं, मतलब उसको आलू भाजा और वो पोस्तो बाटा, पोस्तो हाँ हम लोग एक्चुअली खसखस का वो जो चटनी बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं पोस्तो बाटा, तो वही उसको देख के तो बोल रही है कि पापा अब रात में खाओगे, तो मम्मी को बोलती हूँ कि वैसे बनाओ। तो मैं मुझे पता है नील आलू भाजा ये ऐसे नहीं खाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि पोस्तो जो बटा हुआ है ना वो मैं थोड़ा सा कटोरी से रख दी हूँ, तो उसका आलू पोस्तो बना सोटा, टमाटर आलू पोस्तो, टमाटर से प्लेन आलू पोस्तो। ये बाप बेटी के चक्कर में ना मैं पीस जाती हूँ,
बेटी बोलेगी प्लेन आलू पोस्त, तो पापा बोलेंगे इसके कि टमाटर डाल के आलू पोस्त बनाओ लाल लाल करके एकदम से। मैं ये दोनों बाप बेटी के चक्कर में ना पीस जाती हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो तुमको आलू आलू भाजा थोड़ा सा बना देंगे, तुम खाओगी? हाँ चलेगा? आ बोल रही है हाँ, मतलब उसको अलग से थोड़ा सा वो कुरकुरे टाइप का आलू भाजा चाहिए। हाँ मतलब ऐसा सादा वाला नहीं जो सुबह में बनाई थी, थोड़ा सा एक पीट में थोड़ा सा कुरकुरे टाइप का हुआ था, तो उसको दाल के साथ अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ। तो उसको कुरकुरे जैसा आलू भाजा मैं बना दूंगी अलग से, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैं देखती हूँ, नील वैसे नहीं खाएंगे तो नील के लिए मैं बनाती हूँ अलग से ये टमाटर आलू पोस्तो, वो भी बहुत अच्छा बनता है और नील का वो फेवरेट भी है। आज बना दूंगी तो बड़ा खुश हो जाएंगे। और पनीर लाऊंगी तो पनीर का ना एक जैसे स्नैक्स आइटम होता है ना, तो उस टाइप का बनाऊंगी। पिछले दिन बनाई थी तो सबको बहुत अच्छा लगा था, एक ड्राई आइटम, मतलब उसके ऊपर पूरा मसाला लगा के, फिर जैसे तंदूरी चिकन टाइप का होता है ना, तो वही तंदूरी पनीर समझ लीजिए। पैन में एकदम अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा बटर में मैं सेक सेक के बनाती हूँ, तो उस टाइप का कुछ बना दूंगी। तो अभी फिलहाल मैं टमाटर आलू पोस्त बना लेती हूँ, वो तो गरम गरम अच्छा लगेगा। हो गया? यहाँ पे खाली रखने आई है। ठीक है जाओ, तो चलिए वही जुगाड़ करती हूँ। आलू पोस्त तो बनाने गई, एक बड़ा सा आलू और एक छोटू सा आलू है और आलू नहीं है। तो मैं अभी 5:30 हो रहा है, मैं थोड़ा सा रुक के जा रही हूँ, फिर भी अभी बहुत धूप है बाहर। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। कौन सा बनाया? यही है। तो चलो B1 से चलो। ठीक है। तो अभी आलू ले आके सब्जी बना के फिर जाऊंगी। तो मैं पेखम को बोली कि चलो साथ में। आज पेखम ने पनीर खरीदा है ना? पेखम बोल रही मम्मी मैं भी तो सीखूं कि कैसे खरीदना है, कैसे क्या देना है। वो खुद से ही पैसा दी है और खरीद ली है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। ये पीछे का रास्ता, वो जो एकदम लास्ट वाला घर है, उसमें पहले रहती थी, तो इधर में ही आती हूँ। इधर में सब जान पहचान है ना, इसीलिए आती हूँ। ये कौन सा मक्खी आ रहा है भाई, देखो। तो चलो जल्दी जल्दी घर जाते हैं, फिर उसके बाद खाना पका के जाना है डांस क्लास। देखिए आके जल्दी जल्दी टमाटर आलू पोस्त तो बना ली, अभी बन गया। उधर बाकी आलू सब धो के रखी हूँ। मैं तो यही पहन के चली जाऊंगी और पेखम जाएगी रेडी होने के लिए। अभी भी धूप देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? बहुत धूप है अभी भी। तो अभी भी बहुत धूप है और गर्मी भी मुंबई में इतना पड़ा है, मतलब पिछले साल अप्रैल के महीने में इतना गर्मी नहीं था। मतलब एसी तो मैं लगभग मई के महीने से चलाना स्टार्ट की थी, लेकिन इस बार इतना गर्मी, बाप रे बाप, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अजीब सा कहीं, मतलब वेदर लग रहा है। बाय। बेखम चली गई अंदर, वो डांस सीखेगी। जब तक तो वो डांस सीख रही है, मैं अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, ये सही रहेगा। तो 1 घंटा टाइम है, टाइम पास कैसे करूँ, तो मैं यही सोची हूँ कि यहाँ पे जब आऊँगी 1 घंटा बैठूंगी, अपना एडिटिंग का काम करूँगी। नील भी आ जाएंगे, नील एक्चुअली अकेले घर नहीं जाते, वो बोलते हैं यहीं से जाएंगे, साथ में रहेंगे, घर जाके लगेगा कि अकेला अकेला। तो बस यही है, तो चलिए एडिटिंग करती हूँ। अभी अभी घर आई हूँ, बट एक दुख हो रहा है। आज बहुत आशा करके बैठी थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी जो नया फर्नीचर आने वाला है, तो अभी बोल रहा है कि थोड़ा सा, मतलब वो ठीक कर रहा है ना, तो सूखने में देरी होगा, ये होगा, तो आज बहुत दुख हो रहा है। मैं सोची थी आज आ जाएगा, कितने दिन से वेट कर रही हूँ जानते हैं, कुछ बता ही नहीं हूँ। मैं सोची थी कि आज आ जाए तो अच्छा है, पर नहीं आया, तो क्या करे, अब कल भी देगा कि पता नहीं, वो फ़ोन करेगा। और एक सोचिए, सिलेंडर भी आज देखिए पैसा कट गया पर नहीं आया देने के लिए, तब से मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। कल आएगा ना? कल आना चाहिए। क्या बोलूँ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है।
कितना सा करके बैठी थी कि जैसे लौटते टाइम वो बोले थे कि 8 बजे फोन करके मैं बताता हूँ, तो 8 बजे के बाद डिलीवरी कर देंगे। सामने ही दुकान है और यहाँ पे क्या है, रात 10-11 बजे तक दुकान खुला ही रहता है। फोन भी नहीं किया और नहीं ये किया, मतलब हुआ नहीं है। तो फिर कल बोलेगा, अब कल भी नहीं होगा तो फिर परसों, ऐसे करके कब होगा पता नहीं, देखती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही पेंट करती हूँ। और अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत खुशी से थी जानते हैं आज, बहुत मतलब बहुत कुछ मन में था, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ मतलब बर्बाद हो गया। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही पेंट करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक लाइक ज़रूर करना प्लीज़ मेरे चैनल को, क्यों लाइक करते हैं तो मतलब आप लोगों का क्या होता है, आप सिर्फ एक बटन दबेंगे लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हाँ उसने लाइक तो किया, तो इसमें क्या मोटिवेशन भी मिलता है। तो ठीक है, चलें चलिए फिर मिलेंगे। अब ये नया सामान शायद आ जाए नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोग देख पाओ, आई होप। तो टाटा बाय बाय।